मेरे हिंदू भाइयों, एक बार इस ऑडियो को पूरा सुने और समझे कि क्या प्लानिंग इन्होंने गोशामेल विधानसभा में मुझको हराने की है। आप एक बार यह ऑडियो पूरा सुने। अस्सलाम वालेकुम ऑल। देखिए, ये ग्रुप का एक ही मकसद है, टू डिफीट राजा सिंह। एंड व्हाई वी आर डूइंग इट, वी नो ही इज़ एन सीरियल ऑफेंडर, ही इज़ ए हेट मॉन्गर। उन्हें हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की है, उन्हीं के पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी किया था। तो राजा सिंह शुड बी डिफीटेड। नाउ टू डिफीट राजा सिंह, वी डिड लॉट ऑफ एनालिसिस। सोशल एक्टिविस्ट मिल गए, जमा हुए, डिस्कस किए, पार्टी के कैंडिडेट्स को असेस किए। कांग्रेस पार्टी को भी पहले बोला गया था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को वो टिकट दें। उसके बाद फिर खालिदा परवीन आपा का, मकसूद भाई का आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे हम लोगों ने KCR साहब को और TRS को भी कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को दें। बहरहाल जो भी कैंडिडेट अवेलेबल थे उनके बारे में सर्वे किया गया, एक एनालिसिस की गई, और ये पता चला कि BRS के कैंडिडेट कैन डिफीट राजा सिंह। सो ओनली फॉर दैट रीज़न वी आर सपोर्टिंग द BRS कैंडिडेट इन दिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। देर इज़ नो अदर रीज़न। वी आर नॉट अफिलिएटेड टू TRS पार्टी, नॉर एनीबडी हैज़ टोल्ड अस और एनीबडी हैज़ पेड अस टू डू दिस वर्क। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने डेटा माइनिंग के ज़रिए, ऑन ग्राउंड सर्वे के ज़रिए तकरीबन 20,000 मुसलमान वोटर्स के घरों के मोबाइल नंबर हम लोगों ने कलेक्ट किया। 70,000 मुसलमान वोट है गोशा महल में, और हम लोग अक्सर देखते हैं कि 50% ऑफ मुस्लिम्स डू नॉट गो टू वोट। तो हम चाहते थे कि एटलीस्ट इन लोगों को कॉल किया जाए और इन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो वोट करें। इसलिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसका नाम पल्स है। जब आप ये एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर्स दिखेंगे, और आप बटन क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल रेस्पोंडेंट को चला जाएगा। जब रेस्पोंडेंट कॉल लिफ्ट करते हैं तो उनसे क्या बात करना है, सारा टेक्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे ही दिखेगा। सिर्फ आपको पढ़ना है और नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो इस ग्रुप में आप सवाल पूछिए, हमारी टेक टीम मौजूद है, आपके सवालों का जवाब देगी। 750 से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में हैं। अगर एक आदमी भी अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे अगले आने वाले 2 दिन में निकालते हैं तो आराम से 30 से 40 लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। मान लीजिए एक दिन के 20 लोग, तो 2 दिन के 40 लोग और 700 लोग इस ग्रुप में अगर कॉलिंग करें तो आराम से 30,000 लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, और 30,000 लोगों तक बात पहुंचा के उनसे वोट करने लगाएं तो इंशाल्लाह राजा सिंह हार जाएगा। आप लोग प्लीज़ दूसरे पोस्टिंग इस ग्रुप में मत कीजिए। हम लोगों ने एक अलग ग्रुप क्रिएट किया है। अगर आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करना है या आपको कुछ भी मैसेज पोस्ट करना चाह रहे हैं, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे पोस्ट कीजिए। हम ज़रूर इस ग्रुप में, अगर इस ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स से वो मैसेज इंक्लाइन करता है तो हम लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि खालिदा परवीन आपा वेरी सीनियर सोशल एक्टिविस्ट, अगर वो कॉलिंग कर सकते हैं तो आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई वी कॉन्ट डू इट। यहाँ जो मकसद है, इट इज़ बिग, द कॉज इज़ बिगर दैन सेल्फ, द कॉज इज़ बिगर दैन द पोलिटिकल एफिलिएशन। The cause, this we are doing it to defeat a hate monger who is not good for the society, who is not good for the community. And I feel this cause is bigger than self. ये हम लोग हमारे आखिरत के लिए कर रहे हैं, ये हमारे सोल के लिए कर रहे हैं कि जो गुस्ताखी रसूल है उसको हराने के लिए मैंने अपने ज़िंदगी के 4 घंटे स्पेंड किए। शायद वो दैट इट्सेल्फ वुड बी सफिशिएंट फॉर अस मे बी इन आखिरा, और द फीलिंग दैट वी हैव वर्कड टू डिफीट ए पर्सन हु हैज़ डिसरेस्पेक्टेड प्रॉफिट, इट्सेल्फ विल गिव यू ए वेरी गुड फीलिंग। सुना है इनकी प्लानिंग,
कि कितनी बड़ी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं 70,000 वोट दलवाने के लिए और दूसरे वोट को किस तरह से कन्वर्ट करने के लिए इनकी प्लानिंग आप लोगों ने सुनी होगी। तो अब 30 तारीख के दिन मेरा हिंदू भाई मुझे जिताने के लिए क्या कर सकता है, अब ये देखना है। जागो मेरे हिंदू भाइयों और बस मतदान करो, घर से बाहर निकलो। 10 वोट है तो 10 गिनने चाहिए, 100 वोट है तो 100 गिनने चाहिए, एक भी वोट हमारा चूकना ना पाए, नहीं तो आपका भाई चूक जाएगा। धन्यवाद। जय सियाराम।